Hi, handsome. Oh, I'm sorry. कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुसे? नहीं, वो मैंने बेल बजाई, दरवाजा खुला तो मैं अंदर आ गया। हाँ तो दरवाजा खोला था तो क्या सीधा बेडरूम में घुस जाओगे? नहीं, एक्चुअली मैं अंदर आया तो कोई नहीं था। मैं तो इनफैक्ट डर गया कि दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया, तो मैं घर में चेक करने लगा और फिर अंदर बेडरूम में आप दिख गई। तुम हो कौन? ओह, आई एम सॉरी, मेरा नाम राहुल है, मैं करण का फ्रेंड हूँ। एक्चुअली मैं करण से मिलने आया था, आधे घंटे से नीचे पार्किंग में वेट कर रहा था, उसने बोला ऊपर, घर चला जाऊँ, इसलिए मैं ऊपर आ गया। आई एम सो सॉरी, वैसे मैंने करण समझकर दरवाज़ा खोला था, एक्चुअली मैं करण को सरप्राइज देने वाली थी। अच्छा, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने आपका प्लान बिगाड़ दिया। वैसे एक बात बोलूँ, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल अंदर बेडरूम में। थैंक यू, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जी। करण, देख मैं तुझे पैसों के लिए रिमाइंड करने आया था, तूने बोला था कि 6 महीने में विद इंटरेस्ट तेरे पैसे वापस हो जाएंगे, अभी 8 महीने हो गए हैं। भाई थोड़ा टाइम और दे दे, 2 महीने में मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है? पर यार कंपनी से तुझे पैसा निकाल कर ही तो लाना है, इसमें इतना टाइम क्यों चाहिए? यार तुझे कैसे बताऊँ, वो कंपनी वालों ने ना पैसों को लेकर हाथ खड़े कर लिए हैं, थोड़ा टाइम और मांग रहे हैं। क्या भाई, क्या कह रहा है तू? यार मैं इसलिए बोल रहा था, बाहर मिल लेते हैं यार, प्लीज। यार पूरे 8 लाख रुपए थे, मेरी जिंदगी की सेविंग्स थी वो। मेरे भाई मेरी हालत उससे भी ज्यादा खराब है, 12 लाख रुपए घुसे हुए मेरे, उसके इंटरेस्ट के चक्कर में मैंने गाड़ी खरीद ली यार, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यार देख मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट दे दे, कंपनी जब वापस करेगी पैसा तब तू बाकी का इंटरेस्ट दे देना। यार तू मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझ रहा है? मुझे कोई सोल्यूशन देने के बजाय तू मुझे प्रेशराइज कर रहा है यार, कहां से लाऊंगा यार 8 लाख रुपए में, और मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है यार। एक चीज है तेरे पास, वो सबके पास नहीं होती। क्या? यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। मतलब तेरी बीवी तेरा एसेट है, अगर मेरी इतनी हॉट बीवी होती ना, मेरे घर में पैसों की नदियां बह रही होती। क्या बकवास कर रहा है? मेरी बात तो सुन ले, फैन बुक ओनली फॉर फैंस, इसके बारे में सुना है? नहीं भाई, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ भाभी जी के वीडियोस अपलोड करने हैं हॉट कपड़ों में। फैन बुक पे वीडियो क्रिएटर्स पे पैसों की बारिश होती है, एक एक वीडियो के लिए ना लोग डॉलर्स में पैसा पे करते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? तुझे समझ भी आ रहा है तू क्या बोल रहा है? सुन, तेरे पैसे 1 महीने में मिल जाएंगे, समझा? वो कैसे अरेंज करने हैं वो मैं देख लूंगा, तू अपने पैसों पे ध्यान दे। ठीक है, मैं सिर्फ सजेशन दे रहा था, करना ना करना तेरे ऊपर है। देख यार 1 महीना, उससे ऊपर मैं 1 दिन में नहीं रुक पाऊंगा, मुझे मेरा 8 लाख रुपया चाहिए, प्लीज। पैसों का इंतजाम हुआ क्या? नहीं, ये जो राहुल आया था ना, ये भी पैसे ही मांगने आया था, 8 लाख रुपए लौटाने हैं उसको 1 महीने में, पता नहीं कहां से दूंगा। करण, तुमने अपने साथ लोगों के पैसे भी डुबा दिए, ऐसे में तो लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। शमा, अगर तुम मेरा साथ दो ना तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन? फैन बुक ओनली फॉर फैंस। उसमें पता है क्या होता है? तुमने बस कुछ हॉट वीडियोस डालने, मतलब हॉट कपड़ों में, ज्यादा कुछ नहीं करना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सोचो उस बारे में। क्या हुआ शमा, सोई नहीं अभी तक? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे। अरे हुआ क्या बताओ ना यार। वो फैन बुक मुझसे नहीं हो सकता। कुछ पैसों के लिए अपनी बॉडी को एक्सपोज करना, ये सब मुझे सही नहीं लग रहा। शमा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन किसी ने पहचान लिया तो मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। तुम्हारे चेहरे पर मास्क होगा, तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तुम्हें सिर्फ अपनी बॉडी दिखानी है। मेरा मन नहीं मान रहा, मैं नहीं करूंगी बस। ठीक है फिर, मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, सुसाइड कर लेता हूं मैं, क्योंकि इतने सारे पैसे तो मैं नहीं चुका पाऊंगा। मेरे मरने के बाद कम से कम इंश्योरेंस के पैसे तो मिलेंगे तुम्हें, चुका देना लोगों के पैसे। कैसी बातें कर रहे हो, बंद करो ये बकवास। तो क्या करूं मैं, हाँ कैसे चुकाऊंगा 35 लाख रुपए, तुम ही बताओ। अभी लोग चुप हैं, लेकिन कुछ दिन बाद लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। इससे अच्छा मैं खुद की जान ले लेता हूं, कम से कम तुम्हें तो छुटकारा मिलेगा। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करेंगे, पर वादा करो एक बार पैसे चुका दिए तो ये सब बंद। आई प्रॉमिस। ठीक है। थोड़ा और से डॉक्टर। शमा ये देखो, हमारे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अकाउंट में $2,000 आ चुके हैं। ये हमारे एक हफ्ते की कमाई है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने रिसर्च की है। पॉपुलर क्रिएटर्स की मंथली इनकम ना लाखों में जाती है, लाखों में। और अगर लोगों को तुम्हारे वीडियोस पसंद आते रहे ना तो गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन पैसे खत्म नहीं होंगे। शमा देखो क्या लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। ये देखो इस ड्रेस में तुम कितनी हॉट लगोगी। ये देखो और भी लेकर आया हूं, सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ये देखो इस वाइट ड्रेस में तो तुम एकदम परी जैसी लगोगी। और ये देखो सारा मेकअप का सामान, लोग कमेंट्स में लिखते हैं ना कि लिपस्टिक डार्क होनी चाहिए, सारे डार्क शेड्स लेकर आया हूं। एक मिनट करें, तुम ये पैसे क्यों उड़ा रहे हो? अरे उड़ा थोड़ी ना रहा हूं, इन्वेस्टमेंट है ये। बेबी अब लोग बोल रहे हैं कि कपड़े रिपीट हो रहे हैं, लिपस्टिक डार्क होनी चाहिए, तो उनकी तो सुननी पड़ेगी ना। अरे पेइंग कस्टमर्स हैं, हम बिजनेस को ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, समझो। करण तुम्हें नहीं लगता ये सब लेने से पहले हमें लोगों के पैसे चुकाने चाहिए? कर देंगे ना। कब? अरे चुका दूंगा, एक दो दिन में चुका दूंगा। तो फिर बस हम ये फैन बुक बंद कर देंगे, हमने यही डिसाइड किया था ना। अरे ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं बेबी,
अभी तो ट्रैक्शन बढ़ रहा है, अभी तो टाइम है पैसे बटोरने का। करण मुझे सब सही नहीं लग रहा। तुम कमेंट पढ़ते हो तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि लोग मुझे स्लट बुलाते हैं, मुझे कैसे कैसे डिमांड करते हैं, छिछोरी बातें करते हैं। शमा वो सब फेसलेस ट्रोल्स हैं, उनको तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम्हें वो पर्सनली थोड़ा जानते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं कौन सी जो कह रहा हूँ कि हमेशा करेंगे, बस कुछ महीने और, कुछ महीने प्लीज। लेकिन हमने इतना कमा तो लिया है ऑलरेडी। अरे इतना कमा कर भी तो रेंट के घर पर ही रहते हैं ना, हर 11 महीने में क्या घर ही चेंज करते रहेंगे। शमा तुम नहीं चाहते कि हमारा खुद का घर हो, कल हमारे बच्चे होंगे तो उनका फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, सबके लिए पैसे चाहिए होते हैं ना। लेकिन इतना कमाने के लिए सालों लग जाएंगे। अरे सुनो मेरी बात, मेरे पास इस इनकम को 10 गुना बढ़ाने का एक मास्टर प्लान है। कैसा प्लान? लाइव शो। यार एक बात नहीं समझ में आ रही, उस दिन तो पैसों के लिए इतना ज्यादा परेशान था और आज अचानक से इतने सारे पैसों का इंतजाम भी हो गया। भाई कोई अलग दिन का चिराग हाथ लगाए, ये किसी और से उधार लेके मेरा उधार पूरा किया। अरे नहीं मेरे भाई, वो कुछ साल पहले मैंने ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, बस उसी से हेल्प हो रही है, मार्केट ऊपर है ना। म्यूचुअल फंड? बात कुछ हजम तो नहीं हो रही है, लेकिन अब तो कह रहा है तो सही कह रहा होगा। खैर अपने को क्या है, जैसा भी किया कम से कम मुझे मेरा पैसा तो वापस मिल गया। तो बस फिर अब हमारे बीच में ना कुछ लेना ना देना, ना लेना ना देना। शमा लाइव शो का रिस्पांस तो सॉलिड आया है, रेवेन्यू भी डबल हो गया। दो और रिक्वेस्ट आई भी है, फुल बॉडी ऑयल मसाज $1,000 ईच। शमा तुमने तो जादू कर डाला यार, हैं? शमा तुम अंदर जाओ। क्यों क्या हुआ? अरे तुम अंदर जाओ ना, मैं बाद में बताता हूँ, जाओ। अरे कंग्रेचुलेशंस मेरे भाई, लोग तो तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं लेकिन तूने तो लिफ्ट पकड़े और सीधा टॉप फ्लोर, वाह। अरे तू यहाँ कैसे, फोन कर दिया होता आने से पहले? कुछ नहीं यार, तेरा ऑफिस गया था, वहां जाके पता लगा तूने जॉब छोड़ दी तो मैं घर आ गया। मुझे हाँ यार, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, सक्सेसफुल भी हो रहा है, हैं? अब यार इतना अफलातून प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतरेगा तो सक्सेस होना तो बनता है नहीं? तू क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्यों आया यहाँ पे ये बता। अपना हिस्सा लेने। हिस्सा? भाई तेरे पैसे वापस दे तो दिए मैंने। अरे यार वो तो उधार का पैसा था ना, अभी मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ, अपना हक। कौन सा हक भाई? तेरा नया बिजनेस फैन बुक, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या बवाल लगती है यार भाभी, और वो शावर वाला लाइव शो था, मन तृप्त हो गया यार। ओ चल निकल यहाँ से, आउट आउट। अरे अपने लॉयल सब्सक्राइबर से कोई ऐसे पेश आता क्या? वैसे तेरी भी दाद देनी पड़ेगी यार, मैंने तो ऐसे ही सजेशन दिया था तुझे, बस मुझे क्या पता था
इतना बड़ा दल्ला निकलेगा तू कि अपनी बीवी की इज्जत बेच के खाएगा। बकवास बनकर अपनी भूल मत, तुझे अमीर बनाने वालों में हम भी शामिल हैं। पॉइंट पे आ, क्या चाहिए बोल। 33%। ज्यादा स्ट्रेस मत ले, सिंपल कैलकुलेशन है। देख, भाभी वीडियोस में दिखती हैं, एक हिस्सा उनका। तू वीडियोस शूट करता है, अपलोड करता है, बहुत मेहनत का काम है यार, एक हिस्सा तेरा और एक हिस्सा आइडिया देने वाले का। आइडिया किसका? मेरा। 33% चाहिए तुझे है? अबे तेरे बाप का प्लेटफॉर्म है क्या? ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है। बड़ा आया 33% लेने वाला, चल निकल। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करूँगा वो भी सुन ले। भाभी जी का अगला लाइव शो है ना, फुल बॉडी ऑयल मसाज, मैंने रिक्वेस्ट डाली है। उस लाइव शो के कमेंट बॉक्स में आकर सबको बताऊंगा कि इस मास्क के पीछे हमारी सुंदर, सुशील, संस्कारी भाभी है। इनका फोन नंबर, एड्रेस, टाइप सेंड फोटो के साथ। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना तेरे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ 1 घंटे के अंदर कुछ हजार तो तेरे दरवाजे पे आ ही जाएंगे अपनी क्षमा बुझाने। करण, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है यार, तू दोस्त है मेरा, बस हर महीने सही समय पर पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना भाभी जी की असलियत खोलने में 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे, और फिर प्राइवेट में नहीं पब्लिक में उतरेंगे कपड़े। चल, आज की कहानी सिर्फ चौंकाने वाला सच नहीं बल्कि कई सारे लोगों की आप बीती है। करण ने अपनी पत्नी क्षमा के शरीर को एक कमोडिटी बनाया और अपना उधार चुकाने के लिए पैसे कमाने का जरिया बनाया, पर जब पैसा कमाना एक लत बन जाती है तब इंसानियत खत्म होने लगती है। आज के जमाने में ओनली फैंस जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, सैकड़ों क्रिएटर्स इस पर अपना कंटेंट बनाकर पोस्ट करते हैं और करोड़ों यूजर्स इनके साथ एंगेज करते हैं। ग्रीड और फाइनेंशियल प्रेशर इंसान को अपनी सीमा भूलने पर मजबूर कर देता है, लेकिन आसानी से कमाया गया ये पैसा सच में सुख लाता है या फिर इंसान का लालच बढ़ाकर उसके लिए मुश्किलें पैदा करता है? इस दौर में जरूरी है हम अपनी ग्रीड को काबू में रखें ताकि हमें गलत राह पर चलना ना पड़े, क्योंकि जरूरत है टू बी सेफ। आपके क्या विचार हैं इस बारे में हमें बताइए नीचे कमेंट्स में। अगले हफ्ते हम इसी तरह की एक आई ओपनिंग कहानी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until then, don't forget to be safe.